सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नजर मार लेनी है सुर्खियों दी वल। आप नाल गठजोड़ ते पंजाब कांग्रेस नूं हाईकमांड की कुरकी। कांग्रेस के कौमी प्रधान ने दिते सख्त आदेश, गठजोड़ नूं लैके कोई मुद्दा ना चुकिया जाए। भारत कनेडा तनाव विचाले अमित शाह नूं मिले सुखबीर बादल। पंजाबियों च पैनिक माहौल, कहा सुखबीर बादल ने सरकार नूं मामले नूं जल्दी तो जल्दी हल करन दी कीती अपील। पहला बादल फिर कैप्टन ते हुण भगवंत मान करन जा रहे ने वड्डा बदला। आटा दाल स्कीम मुड होवेगी शुरू, पंजाब च तैयारियां हुईयां शुरू। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पंजाब कांग्रेस की मांग नूं अखों परोखे कर दिता। हैदराबाद च होए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सैशन च पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी नाल पंजाब च गठजोड़ ना करन दी मांग चुकी सी। कांग्रेस के कौमी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर कह दिता है कि गठजोड़ नूं लैके कोई मुद्दा ना चुकया जाए, क्योंकि मामला केंद्र की मोदी सरकार नूं आने वाली लोकसभा चोणां च हराउण दा है। पंजाब कांग्रेस नूं कह दिता गया है कि गठजोड़ भी जदों सीटां दी वंड होएगी तां उन्हां दी वी राय लई जाएगी, पर उस वेले तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी नाल किसे वड्डे विरोध की गल ना करे। 16 सितंबर नूं हैदराबाद च हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस गल ते सख्त इतराज जाहिर किया गया सी कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस विचाले समझौता नहीं होना चाहिए ते ना ही सीटां दी वंड होनी चाहिए। बैठकां च कुछ नेतावां ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जे आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ हुंदा तां उन्हां कोल कांग्रेस छड़ के होर पार्टियां विच जाण तों इलावा कोई होर रस्ता नहीं बचेगा। कनेडा नाल चल रहे तनाव विचाले श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ते संसद मैंबर सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात कीती है। सुखबीर सिंह बादल दी गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात अहम है। अकाली दल दे मुखी सुखबीर सिंह बादल ने भारत कनेडा तनाव ते चिंता प्रगटाई, क्योंकि कनेडा विच वड्डी गिणती च पंजाबी रहिंदे ने ते 70,000 दे करीब पंजाबी विद्यार्थी पढ़ाई लई कनेडा च जांदे ने। सुखबीर बादल ने सरकार नूं इस मामले नूं जल्दी तों जल्दी हल करन दी अपील कीती। ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਬੰਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਜਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੇਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
पछमी अफ्रीकी देश घाना दे उपरले पूर्वी खेत्र विच व्यापारक काफले दीआं बसां ते अणपछाते बंदूकधारियां दे इक समूह दी गोलीबारी विच घट्टो घट्ट 9 लोकां दी मौत हो गई है ते कुछ जख्मी होए ने। पुसीगा जिले दे मुख कार्यकारी जुबेरू अब्दुलई ने मीडिया नूं इह जानकारी दित्ती। अब्दुलई ने कहा कि पीड़ितां ते हमला उदों होया जदों उह उच्च पूर्वी खेत्र दे अशांत शहरी भाईचारे बाबकू तों गुआंढी बुरकीना फासो दे इक बाजार केंद्र वल जा रहे सन। उन्होंने दस्सिया कि बाबकू ते आस पास हथियारबंद हमलिया कारण व्यापारी पुलिस सुरक्षा के काफले विच सन ते जदों अणपछाते बंदूकधारियां ने आस पास बसां ते अचानक गोलीबारी की जिस विच 9 लोगों की मौत हुई ते होर जख्मी हुए। अधिकारी ने यह भी दस्सिया कि सुरक्षा सेवावां ने तुरंत कार्रवाई की ते सुरक्षा नूं सख्त किया ते हमलावरां की भाल शुरू की। अज तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली। भारत का विवादित नक्शा साझा करने तों बाद विवादां विच आए कनेडियन गायक शुभनीत सिंह उर्फ शुभ ने पूरी घटना तों बाद अपना पहला बयान जारी किया। शुभनीत उर्फ शुभ की यह प्रतिक्रिया उदों आई है जदों बोर्ड स्पीकर कंपनी मुंबई ने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली सी ते 23 सितंबर तों 25 सितंबर तक शो नूं रद्द किया सी। गायक शुभ का सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत का दौरा रद्द किया गया जिस विच दिल्ली हैदराबाद बेंगलुरु समेत वख-वख 12 शहरां शो किए जाने सन। बुक माई शो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते पोस्ट यह जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि गाहकों नूं 7 तों 10 दिनों के अंदर टिकटों का पूरा रिफंड मिल जाएगा। शो कॉर्डेलिया क्रूज से आयोजित किया जाना सी। शुभ ने कहा कि भारत मेरा भी देश है, मैं इत्थे ही पैदा होया सी, ये मेरे गुरुआं ते पुरखियां दी धरती है जिसकी जड़ पंजाबीयत है। मैं सख्त मेहनत करता रहा ते मैं ते मेरी टीम जल्द ही बड़े ते मजबूत होके वापिस आवांगे। वाहिगुरु मेहर करे सरबत दा भला। भारत ते कनेडा विच बीते कुछ दिनां तों वधदे विवाद दा असर हुण कारोबार ते दिखण लग्या। कनेडा दे नागरिकां लई वीजा देण ते भारत ने फिलहाल तां रोक लगा दित्ती है। इसे दरमियान महिंद्रा ग्रुप ने भी कनेडा नूं वड्डा झटका दित्ता। आनंद महिंद्रा दी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनेडा बेस्ड कंपनी रैजन एयरप्रेस एरोस्पेस कारपोरेशन तो अपनी साझेदारी खत्म करने का ऐलान किया है। रैजन एयरोस्पेस कारपोरेशन महिंद्रा एंड महिंद्रा का 11.18% हिस्सेदारी सी। दोवां देशों में कूटनीतिक लड़ाई जारी है। महिंद्रा ने कदम अजिहे समय चुके जदों कनेडा ते भारत विचाले तनाव पीक ते अजिहे विच लोग महिंद्रा के फैसले नूं इस नाल जोड़ के देख रहे हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने फैसला वॉलंटरी बेसिस से लिया। कंपनी के बंद होने नाल कनेडा की अर्थव्यवस्था नूं झटका लगे। अमृतसर के छरेटा थाने के अधीन पैंदे इलाके विच इक फैक्ट्री नूं अग लगन का मामला सामने आया। दस्सिया जा रहा है कि लखां रुपयां का समान सड़ के सुआह हो गया। फिलहाल अग लगन के कारणों का पता नहीं लग सकिया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं जिन्हां वल्लों जांच शुरू की गई है। गल करदे कमल शर्मा ने दस्सिया कि यह दवाइया की बंद पई फैक्ट्री सी जिहड़ी किराए ते लई होई सी। इस विच 50 तों 60 लाख रुपए दी मशीनां लगाई गई सन ते 10 तों 12 लाख रुपए का मटीरियल भी पिया सी जिहड़ा सब कुछ अग की भेंट चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं होया। फायर विभाग दीआं गड्डियां भी 4 दे करीब पहुंच गईआं ने जिन्हां वल्लों अग ते काबू पा लिया जाएगा। कस्बा कानूवान के सरकारी हस्पताल ते प्राइवेट हस्पतालों में डेंगू तो पीड़ित लोगों की गिनती घटती नजर नहीं आ रही है जिसके चलते कानूवान शहर अंदर बीमारी के प्रकोप करके सहम का माहौल बनया हुआ है। हस्पताल मरीजों नाल भरे दिखाई दिते ते मरीजों लई बैडा की भी घाट के चलद कई मरीजों नूं घर अंदर ही ड्रिप लगाउण लई लोकल मैडिकल प्रैक्टिशनर वल्लों चक्कर मारदे देखिया गया। व्यवस्था के वास्ते ट्रीटमेंट इतने मिल रहा है लोगों को जिन्होंने भी डेंगू फीवर की शिकायत है। सैल कंटेनमेंट या उन्होंने बुखार चढ़ रहा है 2-3 दिनों तो रिकवरी नहीं हो पा रही है। ओरल मेडिसिन उन्होंने असं इतने दाखिल करके आईवी फ्लूइड्स एंटीबायोटिक्स और कुछ दवाइया दाखिल दी है जिन्होंने बॉडी के सैल रिकवर कर सकन वो असं इतने दे रहे हैं। तो जो टेस्ट जरूरी होंगे डेंगू एंटीजन वो टेस्ट अंदरों हो रहा है मुफ्त हो रहा है और सीबीसी दे विच टीएलसी और डीएलसी एचबी के अंदर टेस्ट हो रहे हैं।
अमृतसर सब इंस्पैक्टर खुशबू शर्मा की अगुवाई हेठ एसआई हरनेक सिंह वालों समेत पुलिस पार्टी पिस्टल की नौक से लुटा खोहां करने वालों को काबू करने में सफलता हासिल की गई है। इस मौके एसीपी वरिंदर सिंह खोसा ने मीडिया जानकारी दिंदे दस्सिया कि पुलिस पार्टी वालों सूचना के आधार से स्पैशल नाकाबंदी करके योजनाबद्ध तरीके लोगों पासों पिस्टल दिखा के लुटा खोहां से चोरियां करने वाले दोषी सुनील राय से मनीष कुमार को काबू करके इन पासों खोशुदा समान बरामद किया गया। गिरफ्तार दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करके इन्हों मानयोग अदालत में पेश करके दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। उन्होंने दस्सिया कि रिमांड दौरान इन पासों बरीकी नाल पूछताछ की जाएगी जिन्हों को होर भी खुलासे होने की संभावना है। परसों 20 तरीक नूं सानू एक इनफॉर्मेशन रिसीव हुई सी कि कुछ दो शक्की नौजवान वारदात करन दी ताक विच हन। जिस तों बाद असीं जदों पुलिस वल्लों नाकाबंदी कीती गई तां असीं दो शक्की नौजवान सुनील राय पुत्तर फेक राय वासी प्रोफेसर कलोनी मैडिकल इनकलेव अमृतसर, दूसरा मनीष कुमार पुत्तर सुनील कुमार वह भी रहने वाला प्रोफेसर कलोनी मैडिकल इनकलेव अमृतसर, दोनों नौजवानों असी काबू किया। तो उन्हां कोलों एक खिडौना पिस्टल, इस तों अलावा एक काफ़ी मोटा कड़ा सर ब्लो का कड़ा तो चोरी का मोटरसाइकिल पल्सर बरामद होया। जिस तों बाद असी दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हां दे खिलाफ एफ आई आर नंबर 188 अधीन धारा 379-411 ते सैक्शन 28 आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा रजिस्टर किया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिंड गालिब जिला लुधियाना दे निरभय सिंह जो खुद नूं पत्रकार दसदा है नूं एक डॉक्टर तों 1,00,000 रुपए की रिश्वत लैंदे रंगे हत्थी काबू किया गया। जानकारी दिंदिया सूबा विजिलेंस ब्यूरो दे बुलारे ने दस्सिया कि सिविल हस्पताल जगराऊं विखे बतौर मैडिकल अफसर सेवा निभा रहे डॉक्टर दीपक गोयल ने विजिलेंस ब्यूरो के रेंज दफ्तर लुधियाना विखे अपने बयान दर्ज कराए सन कि उक्त डॉक्टर ने दोष लाया कि जगराऊं की कौंके कलोनी के रहने वाले बलजिंदर सिंह नां दे मरीज के इलाज संबंधी तीन व्यक्ति उस नूं ब्लैकमेल करन दी कोशिश कर रहे ने। विजिलेंस ब्यूरो ने इस संबंध में बलजिंदर सिंह निरभय सिंह मनजीत सिंह विरुद्ध लुधियाना विखे केस दर्ज किया। इस तों बाद खुद नूं पत्रकार दसण दा दावा करन वाले निरभय सिंह नूं दो सरकारी गवाहां दी मौजूदगी विच शिकायतकर्ता डॉक्टर गोयल तों 1,00,000 रुपए की रिश्वत लैंदे रंगे हत्थी काबू किया गया। एक 1,40,000 रुपया डॉक्टर जिहड़े दीपक गोयल कोलों ये मंग रहे थे भी 1,40,000 रुपया दिओ। 20,000 तो उन्होंने कल जिहड़ा निरभय सिंह हैगा कल लै गया। इन्होंने कहा जी मैं बाकी तुहानूं 1,00,000 कल नूं दे दूंगा, बाकी मैं 20 तुहानूं मैं परसों दे दूंगा। वो 1,00,000 जिहड़ा फिर अज देना सीगा वह फिर साढ़े को आके इन्होंने कंप्लेंट की है और इन्होंने सारी गल दसी भी मैनूं इदां बिना वजह ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा। वो फिर असी ट्रैप एक ले कीता हैगा।